नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं फरहीन अंसारी और वक्त हो चुका है यूपी की 10 बड़ी खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर संगठन वार्ता के अलावा करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा लगाएगा रफ्तार पर ब्रेक, 15 दिसंबर से गति के नए नियम होंगे लागू। हाथरस कांड में पीएफआई का मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ गिरफ्तार, मस्कट भागने की फिराक में था रऊफ। पैच, यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी, धारदार हथियार से मां बेटे की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूपी में मास्क न लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, लखनऊ गाजियाबाद मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में हर 2 किलोमीटर पर 2 सिपाही तैनात करने के निर्देश। यूपी के महाराजगंज में 50 लाख की फिरौती के लिए नाबालिग चाचा ने मासूम का कराया कत्ल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी में बाढ़ लाइसेंस नियमावली 2020 को मिली मंजूरी, अब एयरपोर्ट ट्रेन और क्रूज में भी खुलेंगे बार। इटावा लाइसेंस सफारी में बढ़ा शेरों का कुनबा, शेरनी जैसिका चौथी बार बनी माँ। बढ़ सकती है डॉक्टर कफील खान की मुश्किलें, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर लगाया आरोप, विपक्षी दल किसानों के कंधे पर रखकर चला रहे हैं बंदूक। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप रह सके देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट।